बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज डीएम का एक पेपर हल करने की कोशिश करते हैं। ये पेपर 1 दिसंबर 2019 को ईटा के जरिए पाटा एरियाज में हुआ था। कंप्लीट पेपर को एक है, इससे पहले पीएटी का पेपर भी 100 क्वेश्चन एक की वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को भी क्लिक करें। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर लाजमी किया करें। दोस्तों, इसी पेपर को मैं अपने दूसरे चैनल एनटीएस टेस्ट मास्टर पर बाई पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। आज मैं कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको बताता चलूंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल मैच सिंस ही जॉइंड द टीम। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें दोस्तों। द प्रेज बी ऑल ईयर्स मीन, इसका मतलब है लिसन विद इंटरेस्ट, लिसन केयरफुली विद इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द विजुअल आर्ट्स आर, यहां पर थोड़ा सा शक पड़ता है, बी और सी इन दोनों में से कोई एक है। ठीक है दोस्तों, तो इसका खुद कंफर्म करें बी और सी में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, द मटेरियल वैल्यू ऑफ ऑल रिपेयर्स टू द वैल्यू ऑफ इट्स मीडिया, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द ऑल्ट ट्रेन रिपेयर्स टू, इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द मैटर नोन एज, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है एटम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, द नंबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, आप पेजान गॉट 3/5 of 100, 100 में से 3/5 नंबर हासिल किए तो टोटल उसने 60 नंबर हासिल किए। इसको जरब दे दो तो आपको 60 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें दोस्तों, पेडागॉजी इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड, और क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, द स्टूडेंट्स वर few and the teacher therefore didn't, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी और ए दोनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, when was the microwave invented, ऑप्शन बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पर्शियन कारपेट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइन आर्ट्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, अ पेंटिंग ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑन अ टेबल इज स्टिल लाइफ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 15, डिट्रॉइट इज, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, व्हाई अ पर्सन फॉलिंग एंड अ शार्प कॉशन डजंट गेट हर्ट, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, हाउ द नाइट्रोजन ऑफ द एनवायरनमेंट इज यूटिलाइज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि हाउ द नाइट्रोजन ऑफ द एनवायरनमेंट इज यूटिलाइज फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, तो इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइटिंग से, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, फिलिंग द ब्लॉक विथ कैरिक चॉइस, ये देखिए ये लिखा हुआ है 3/7 जमा, खाली जगह है, ब्लॉक लगा हुआ है और 10/7, तो इसको कैसे करना है, ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह आपने क्या करना है, ये 3/7 को मसावत से दूसरी तरफ ले जाओ तो ये ऐसा बन जाएगा 10/7 मन पी 3/7, 10/7 मन पी 3/7 बन जाएगा। इसी को अगर आप हल करोगे तो इससे आंसर आएगा 1। सो द करेक्ट ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1 देन 13x+1 इज इक्वल टू, ये जीरो के बनता है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करोगे और जीरो जब 13 से जरब आएगा तो जीरो बनेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, अ टीचर शुड बी, यहां पर एक बताता चलो, अक्सर दोस्त कहते हैं कि अ टीचर शुड बी फंक्चुअल, लेकिन जब आप टीचर इज ड्यूटीफुल, शुड बी ड्यूटीफुल, तो ड्यूटीफुल का मतलब भी यही है कि वो क्या होगा, फंक्चुअल होगा और ऑनेस्ट होगा। ऑप्शन डी तो बनता ही नहीं है, ऑप्शन डी का मतलब है डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब न थकने वाला, ये नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, यू कांट एग्री विद बोथ ऑफ देम, यू कांट एग्री विद बोथ ऑफ देम, मेक योर माइंड अप, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, और इसमें वाहिद लफ्ज जो है दूसरों से मुख्तलिफ है, दैट इज ऑप्शन ए कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब है जिस्मानी सजा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, इन सिमोटिक द फोर लेटर्स पी आई पी ई कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफायर, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, व्हाट इज कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग को हम कैलीग्राफी कहते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखें दोस्तों, एडिंग ब्लैक टू अ कलर टू मेक इट डार्क, इट विल क्रिएट शेडेड, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 26 को देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, पोटाशियम परमैंगनेट व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर गिव्स व्हाट कलर, तो इट गिव्स पिंक कलर दोस्तों, आपने अक्सर अस्पतालों में या क्लिनिक्स में देखे होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 27 को देखें, अ डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, अ क्यूब
has equal square bases. Key के चार equal bases होते हैं दोस्तों, sorry six होते हैं, option C है. Question number 29 को देखें. 29, sum of internal angles of triangle is, ये 180 के बराबर होते हैं, triangle के सारे angles को जमा करें तो that will equal to 180. और question number 30 को देखें. 30 number question कहता है कि when student comes late to the class, you will. जब स्टूडेंट लेट आते हैं तो क्या करना है, अपने रीजन फाइंड आउट करने के, रीजन क्या है, क्यों लेट आते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इट इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 31 को देखें. सम स्टूडेंट्स आर एंड वांट टू टेक कोर्स फॉर व्हिच दे सी इमीडिएट वैल्यू, प्रैग्मैटिक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 32 को देखें. Who knocked at the door? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. और क्वेश्चन नंबर 33 को देखें दोस्तों. The element that refers to the tactile. Elements, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, टेक्सचर. क्वेश्चन नंबर 34 देखें. Red and blue make purple. Yes, it is true. Option A correct option है. और question number 35 को देखें. A type of balance in which both sides of a composition are balanced yet different. Asymmetric कहते हैं इसको. Correct option इसमें option A है. Question number 36 देखें. The main constituent of cell wall is cellulose. Option B correct option है. Question number 37 देखें दोस्तों. While traveling in a bus and drivers apply sudden brake, your body will try to fall forward. Option A है. Question number 38, the sets A is equal to A, B, C and B is equal to B, C, A. Element दोनों के बिल्कुल exactly same है, तो so this is called equal set. इसमें एक होता है equivalent. Equivalent जो number same हो, तीन हो, लेकिन जो exactly same हो, that is called equal set. Question number 39 देखें. A diameter of a circle is 16 cm, then its radius is d divided by 2, yani 16 taksimi 2 is equal to 8. Option B correct option hai. Question number 40 ko dekhe dosto. Question number 40. Ye wala question number 40 hai. Feel good mean, kehte feel good iska matlab kya hai dosto? It means to become happy or confident. आपको कोई पूछे कि यार आप हाउ आर यू, यू कैन से दैट आई एम फीलिंग गुड, फीलिंग वेल. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं. 41, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, व्हाट विल यू डू. आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं और कोई टीचर स्टूडेंट खड़े होकर उस कोई अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे. तो इन तमाम ऑप्शन को पढ़ लो, लेकिन ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास. अगर क्वेश्चन अनरिलेटेड है तो क्लास के बाद उसको आंसर दे देना. क्वेश्चन नंबर 42 देखें. आई शेल सी यू टुमारो इफ आई हैव टू वर्क लेट. यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी इन केस, लेकिन ये इन केस नहीं है, चूंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एफ इस्तेमाल होता है. क्वेश्चन नंबर 43 देखें.
Formal balance is another word for which type of balance? तो इसमें symmetrical. Option C correct option है. और question number 44 में देखें. Which of the following is another word for center of interest? इसमें जो दूसरे चैनल पर मैं इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूं तो उसमें मैंने करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी लगाया था लेकिन एक्चुअली द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 45 देखें. अ प्लान फॉर सेलेक्टिंग कलर्स फॉर कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज कलर स्कीम. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 46 देखें. ग्रीन प्लांट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. इकोसिस्टम के जो ग्रीन प्लांट्स है दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. ऑप्शन ए करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 47 देखें. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन कार्बन साइकिल. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 48 देखिए. इन स्क्वायर ईच एंगल इज मेजर्ड ऑफ. स्क्वायर में तमाम एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. ऑप्शन डी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए. इफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू. हमने क्या करना है इसमें वैल्यू पुट करने तो ये हो जाएगा 1 जमा 1 बटा 1 यानी 1 जमा 1 इज इक्वल टू 2. ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं दोस्तों. 50 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है. द पर्पज ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज. एजुकेशन का मकसद ही क्या है. ऑप्शन टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ यूनिवर्सल ऑफ प्राइमरी. ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. नहीं सॉरी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन बी को देखिए. टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन. हाँ ये ऑप्शन बी करेक्ट है. इसमें करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है. क्वेश्चन नंबर 51 को देखें. मेक कॉफी प्लीज ही सेड टू मी. तो इसमें कहते हैं कि इनडायरेक्ट चॉइस इसमें ऑप्शन ए है. और क्वेश्चन नंबर 52 को देखें. 52 वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन देयर इज नो यूज प्लगिंग अ डेड हॉर्स. तो कहते हैं प्लगिंग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या है. अपना टाइम जाया मत करो. वेस्टिंग टाइम एंड यूजलेस एफर्ट. ऑप्शन डी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 53 को देखें. कॉन्ट्रास्ट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज. तमाम को जो यूज करोगे तो कॉन्ट्रास्ट कलर. ऑप्शन बी है. और क्वेश्चन नंबर 54 देखिए. कूल कलर्स कौन से होते हैं. ऑप्शन बी जो है दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन. और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 55 जो है ना वार्म कलर्स आर ऑप्शन ए ब्लू रेड एंड ऑरेंज. क्वेश्चन नंबर 56 को जरा देखें. व्हाट फैक्टर रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मेटल. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. तो टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन है. और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए. हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल. रॉबर्ट हुक. ऑप्शन डी करेक्ट है. और क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए. एक्स क्यूब रेस्ट टू पावर 5. तो इसका मतलब कि 5 और 3 जरब का आएगा. तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन
नंबर 59 को देखिए, कहते कि इस खाली जगह में क्या लगता है, इसमें ऑप्शन ए 49 लगता है। और क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायड ऑफ अ स्टूडेंट इज ओबीडियंस जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक यस ओबीडियंस ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 61 को देखें दोस्तों, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू क्या है, टिश्यू ऑप्शन डी को देखें जरा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच इज मेंट फॉर स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 62 को देखें दोस्तों, ही सेड टू हिज फ्रेंड एट आई वर यू आई शुड लीव द टाउन एट वंस, तो ऑप्शन बी को जरा देखें, ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू और लीव द टाउन एट वंस, फौरन गांव को छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, दे आर रिप्लाइंग द सॉरी दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो करेक्ट ऑप्शन द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड बाय देम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 देखें, खाली जगह कहते हैं इसमें क्या लगता है, शेप इसमें नेगेटिव लगता है, ऑप्शन सी है इसमें, नेगेटिव शेप इज द बैकग्राउंड और स्पेस अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ द नेट आर्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, रिदम इज क्रिएटेड व्हेन विजुअल एलिमेंट्स आर रिपीटेड, रिदम में भी ऑल्टरिंग, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 66 को देखे दोस्तों, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन अ वर्क ऑफ आर्ट, वेरिएशन इज द यूज ऑफ द डिफरेंट लाइन शेप टेक्सचर एंड कलर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 67 देखे, साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 68 को देखें, वैक्सीनेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द डिजीजेस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन ड्यू टू ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 69 को देखें दोस्तों, F3 दिस इसमें ये क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 को जरा देखिए दोस्तों, द फ्रैक्शन 1/50 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2%, 100 में 1 तो 50, 50 में 1 तो 100 में 2, इसको 100 से जरा देना बस ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 को देखें, 71 द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 71 को देखें, द स्टूडेंट नेवर सी आई टू आई विद द एग्जामिनर, कहते हैं इसका मतलब आई टू आई का मतलब नॉट एग्री, एग्री ठीक है, नेवर एग्री नॉट एग्री। क्वेश्चन नंबर 73 को देखें, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू स्पॉट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी डिस्करेज। और क्वेश्चन नंबर 74 देखिए जरा, और रिलेटेड कलर स्कीम वुड बी कलर डेट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 75 को देखिए दोस्तों, टिंट्स ऑफ कलर मे बी क्रिएटेड बाय एडिंग व्हाइट पिंक इज अ टिंट रेडर, ऑप्शन वाइल सॉरी ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 78 को देखें, 76 को सॉरी, इंटेंसिटी इट इज एन ऑल्ट एलिमेंट दैट मींस डार्कनेस और लाइटनेस, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ओजोन लेयर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायोलेट रेज एग्जिस्ट इन ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 78 द इक्वेशन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो इसमें अगर माइनस 2 आप लगाएं तो ये 3 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए दोस्तों, द एक्सप्रेशन माइनस 9 माइनस माइनस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन कालेगा तो ये माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80, प्लीज हेल्प समवन द हाउस इज ऑन फायर, ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज डायग्नोस्टिक टीचिंग, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन. एंड क्वेश्चन नंबर 82 को देखिए, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू फिशी, फिशी क्वेश्चनेबल, ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कहते हैं कि विजुअल बैलेंस, यहां बैलेंस लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें. विजुअल बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंपोजिशन अपीयर टू हैव इक्वल वेट, इट सीम्स स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, रफ इट इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्सचर, ऑप्शन डी है. और क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप खुद हल करें, आर्ट इज एन आर्ट स्टाइल बेसन, इसको आप खुद हल करें. क्वेश्चन नंबर 86 देखे, व्हाट आर ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस ऑप्शन बी जो है ना, दिस इज करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 87 देखे, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो एट एक्सेलरेशन एट पोल, सॉरी एट पोल ये हायर आई थिंक है. पिछले वीडियो में हमने ऑप्शन सी को करेक्ट किया था, लेकिन काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए हैं कि ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, लिहाजा इसको आप खुद भी चेक कर लें. क्वेश्चन नंबर 88, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस. क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 18 इज 27. और क्वेश्चन नंबर 90 को देखें, इंफॉर्मेशन हाईवे आर नेट इज इंटरनेट, ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 91 को देखें दोस्तों, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए है, Certainly she is the best person for the job. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 92 में भी करेक्ट सेंटेंस का इंतखाब करना है और उसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 93 को देखें, येलो ऑरेंज रेड ऑरेंज एंड येलो ग्रीन आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, इंटरमीडिएट आर टेरिटरी कलर्स. क्वेश्चन नंबर 94 देखें, शेडिंग विद अ सीरीज ऑफ डॉट इज कॉल्ड स्टिपलिंग, ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 95 को देखें दोस्तों, ड्राइंग इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल आर्ट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 96 को देखें, व्हाई डू इनसाइड ऑफ कार ग्लेस गेट मॉइस्ट वाइल ड्राइविंग ड्यूरिंग रेन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है. क्वेश्चन नंबर 97, एलपीजी स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन ए. और 98 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये नजर नहीं आ रहा, सही तरह नहीं पढ़ा जाता, लिहाजा इसको स्किप कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 99 को देखें दोस्तों,
The sum of 5 of first positive odd integer is 25. ये तो इजी क्वेश्चन है. और क्वेश्चन नंबर 100 को देखें. The method used to evaluate the curriculum. इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है. All of the above. तो इसके साथ पेपर कंप्लीट हो गया दोस्तों. आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपके पास कोई भी पास्ट वीडियो पेपर है इस तरह का तो प्लीज मुझे वो व्हाट्सएप कर दें. तो उसको मैं हल करके अपलोड करूंगा, आपको भी सेंड कर दूंगा. मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें दोस्तों, 0346 65 67 708. इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. Thank you for watching.